गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एडुकेशन एंड ब्रिटिश रूल चैप्टर 8 हिस्ट्री क्लास 8 का ओरिएंटलिस्ट। टॉपिक है फर्स्ट ओरिएंटलिस्ट। सो ओरिएंटलिस्ट में ओरिएंट का मतलब होते ईस्ट, दैट मीन्स वर्ल्ड का जो ग्लोब जो है, ग्लोब में जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह से आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का भी इस तरह से डिवीजन जो है। तो यहाँ पर आपका जो ओरिएंट जो है, ईस्टर्न कंट्रीज़ को कहते ओरिएंट, जैसे कि जापान हुआ, इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सभी ओरिएंट हो गया, दैट मीन्स ईस्टर्न कंट्री हुआ। और वेस्टर्न में हो गया आपका इंग्लैंड, फ्रांस और भी कंट्रीज जो है, वेस्टर्न हो गया, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट जो है जनरली किन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, तो ओरिएंटलिस्ट लोग वो लोग थे, वो इंग्लिश लोग थे जिन लोगों का प्रेम था इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से, इंडियन लैंग्वेज से। दैट मीन्स वो लोग चाहते थे कि इंडिया में जो एडुकेशन जो प्रोवाइड किया जाए वो भी इंडियन लैंग्वेज में ही किया जाए। दैट मीन्स वो लोग इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन लैंग्वेज को वो लोग पसंद करते थे, उनका फेवर में थे, ऐसे लोग थे ओरिएंटलिस्ट लोग, ठीक है। दैट मीन्स सभी गोरा, दैट मीन्स सभी ब्रिटिश लोग खराब नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर एक छोटा शायरी बोल दूँ, जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा न समझना, जिंदगी में किसी मोड़ पर खुद को तन्हा न समझना, साथ हूँ मैं आपके खुद से जुदा मत समझना, साथ हूँ मैं तेरे खुद से जुदा मत समझना, उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है हमने, उम्र भर आपसे दोस्ती करने का वादा किया है हमने, अगर जिंदगी साथ न दे तो हमें बेवफा मत समझना, अगर जिंदगी साथ न दे तो हमें बेवफा मत समझना। दैट मीन्स इंग्लिश लोगों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लोग इंडियन कल्चर को पसंद करते थे, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज को पसंद करते थे, उनका फेवर में थे, और इंडिया में जो एडुकेशन जो प्रोवाइड किया जाए वो इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कहने वाले लोग थे इंग्लिश में भी। और वो लोग थे जनरली आपका जैसे कि विलियम जोन्स थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सर विलियम जोन्स, ठीक है। सर विलियम जोन ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जज भी रह चुके थे, और वो एक लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट मतलब वो बहुत सारा लैंग्वेज का जानकार थे, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज, लैटिन मतलब टॉयलेट नहीं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का जानकार थे, ग्रीक लैंग्वेज का जानकार थे, फ्रेंच का जानकार थे, इंग्लिश का जानकार थे, तो उसके साथ साथ अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का जानकार थे, और इवन संस्कृत लैंग्वेज का भी वो जानकार थे, ठीक है। और इन्होंने ट्रांसलेट किए बहुत सारा हिंदू का जो आपका रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह जो होगा, ठीक है, उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किया सर विलियम जोन्स ने। और सर विलियम जोन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने कहा है कि संस्कृत लैंग्वेज इज़ मोर परफेक्ट देन एनी अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स विलियम जोन्स ने इतना तक कहे कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज है, इंग्लिश से सुपीरियर लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज है, इतना तक कहने वाले कोई इंडियन नहीं, ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है। इसी तरह से हेनरी थॉमस कोलब्रुक ऑल्सो स्टडीड इंडियन लैंग्वेज, इन्होंने भी इंडियन लैंग्वेज के स्टडी किए, साथ साथ ट्रांसलेट किए संस्कृत और पर्शियन का, बहुत सारा इस तरह का जो राइटिंग्स को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, ठीक है। और सर विलियम जोन और थॉमस कोलब्रुक दोनों मिलकर के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का भी सेटअप करते हैं 1784 में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये लोगों ने सेटअप किए, और इसी तरह से एक जर्नल भी ये लोग ने स्टार्ट किए थे, एशियाटिक रिसर्च बोल करके एक पत्रिका, ठीक है, उस पर ये लोग
जनरली पब्लिश करते थे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया का कल्चर, जिसमें जो अच्छा खासियत जो होता था उस पर रिसर्च करके ये लोग इस तरह से पब्लिश भी करने का काम करते थे। दैट मीन्स इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने का काम ये लोगों ने किए हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये संस्कृत कॉलेज, एक संस्कृत कॉलेज भी सेटअप किए जोनाथन डंकन 1792 में बनारस में, और इनको सपोर्ट मिला था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का, ठीक है। गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग भी यहाँ यही साबित करते हैं कि वो भी इंडियन लोगों का ट्रेडिशन के प्रति वो भी पॉजिटिव सोच रखते थे, ठीक है। और इसी तरह से बाइबल का बात करेंगे, विल्किंस जो है इन्होंने, चार्ल्स विल्किंस ने इंग्लैंड में, लंदन में बाइबल जो है, सॉरी बाइबल रे, भगवत गीता जो है, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम भी किए। दैट मीन्स इन लोगों का इंडियन ट्रेडिशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच था। दैट मीन्स ऐसे लोग थे ब्रिटिश में भी, ठीक है। ओके, अब एंग्लिसिस्ट का बात करते हैं, ठीक है। तो एंग्लिसिस्ट का बात जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर एंग्लिसिस्ट लोग वो लोग थे। एंग्लिसिस्ट कौन लोग थे? तो एंग्लिसिस्ट वो लोग थे जो लोग इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को ये लोग बेफालतू मानते थे। इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को अनसाइंटिफिक मानते थे, ठीक है। ये लोग मानते थे कि इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन लैंग्वेज, इसमें कोई दम नहीं है, कोई साइंटिफिक चीज़ है ही नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी इसमें है ही नहीं। और ये लोग स्ट्रेस देते थे टोटली इंग्लिश एडुकेशन पर। दैट मीन्स ये लोग इंडियन लैंग्वेज पर जो एडुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उसका सख्त खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। और इन लोगों में थे आपका जेम्स मिल थे, लॉर्ड मैकाउले थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ये सभी एंग्लिसिस्ट थे, ठीक है। दैट मीन्स एंग्लिसिस्ट लोग इंडियन ट्रेडिशन को ये लोग दरकिनार करना चाहती थी। इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को ये लोग वर्थलेस मानते थे, ठीक। इसको बहुत ही नीच ये लोग दिखाना चाहते थे। और ये लोग चाहते थे इंडिया में जो एडुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश लोग थे, इंग्लिशिस्ट। तो इंडिया में भी देखेंगे, इंडियंस में भी अभी भी होड़ चला है कि इंग्लिश का जो होड़ चला है, दैट मीन्स आप लोग भी स्कूल में भी ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं। इंग्लिश समझ में आए या ना आए, ठीक है, अपना लैंग्वेज को भूल जाओ, किंतु बात करना होगा इंग्लिश में, ठीक है। और बहुत सारे इंडियंस लोग भी थे जो कि इंग्लिश को ही ज़्यादा स्ट्रेस दिए, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश को ही स्ट्रेस दिए, इंग्लिश को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए। तो यहाँ पर इंडिया में इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करने का रीज़न सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिश ही नहीं है, इंडियंस लोग भी काफ़ी हद तक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग शायरी बोलते हुए इसको ख़त्म करना चाहते हैं। दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा उड़ा देना। दिल तोड़ दिया तो चिता भी जला देना, कफन ना मिले तो दुपट्टा उड़ा देना। अगर कोई तुम्हें पूछे रोग क्या था, तो नजरें झुकाकर मोहब्बत बता देना, नज़रें झुकाकर मोहब्बत बता देना। तो है ही यही मोहब्बत जो इंग्लिश के प्रति हम लोगों का है, तो उसके लिए तो मैंने एक शायरी कह ही दिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।